हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ स्टैटिस्टिक्स क्लास मैथ्स हमेशा की तरह खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे टका तक. तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम तो फिलहाल चल रहा है हमारा इलेवेंथ मैथ्स के वन शॉर्ट वीडियो सीरीज और ये स्टैटिस्टिक्स हमारा आखिरी लेसन होने वाला है एज पर इस साल का करिकुलम तो चैप्टर वन इलेवेंथ का यानी कि सेट से लेकर के लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी तक हमने सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे तो अगर आपको मेरे साथ इलेवेंथ मैथ्स के पूरे सिलेबस को खत्म करना है तो आप प्ले के लिंक को क्लिक करके सारे वीडियोज देख सकते हो तो क्या हम सभी तैयार हैं टू लर्न स्टैटिस्टिक्स लेट्स गेट स्टार्टेड तो क्या पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत नए तरीके से बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो काफ़ी लोगों को आइडिया है कि यार स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा के बारे में पढ़ते हैं खूब सारे नंबर्स होते हैं खूब सारे टेबल बनाने पड़ते हैं कैलकुलेशन करना पड़ता है एंड दट इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स वेल स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथ्स का एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है तो एग्जैक्टली exactly, जैसा कि आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो इसमें हम बात करते हैं डेटा की तो डेटा के कलेक्शन से लेकर के एनालिसिस तक इंटरप्रिटेशन तक और इतना कुछ क्यों करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस कुछ पर्पस होता है तभी तो हम इतना सारा डेटा कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं इंटरप्रेट करते हैं राइट जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से हम बात करते हैं किसी क्लास की उस क्लास में जो बच्चों की हाइट है मुझे वो डेटा कलेक्ट करना है जहाँ मुझे डेटा कलेक्ट करना है कोई पर्पस होना चाहिए भाई क्यों करना है तो लेट्स से कि स्कूल का एनुअल प्रोग्राम होने वाला है और क्लास टीचर ने सोचा कि यार कुछ परफॉर्म कराएंगे इस क्लास के बच्चों से ठीक है तो मुझे जो है बच्चों को हाइट वाइज डिवाइड करना है फॉर द परफॉर्मेंस तो इसीलिए टीचर को सबकी हाइट कलेक्ट करनी है तो इसीलिए टीचर क्या करेगा जो क्लास के सारे बच्चे हैं उनके हाइट का जो डेटा है वो पूरा डेटा कलेक्ट करेगा ठीक है अच्छा अब मान लो किसी दूसरे बंदे ने मतलब स्कूल के ही किसी दूसरे टीचर ने उस क्लास टीचर से पूछा कि यार तुम्हारे क्लास के बच्चों की लगभग हाइट कितनी है अब आप सोच के देखो कि क्या टीचर के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो हर बच्चे का हाइट याद रखे <laughs> नहीं पॉसिबल है राइट right? तो वो क्या करेगा वो बोलेगा कि मतलब लगभग समझ लो एवरेज हाइट इतनी है ठीक है तो ये जो एवरेज हाइट है ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो स्टैटिस्टिक्स में हम इसे कहते हैं मीन मीन हाइट या फिर मीन तो मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना उन सबका हाइट बराबर है अगर ऐसा हम एज्यूम कर लें तो फिर एक बंदे का हाइट कितना होगा तो इस एजाम्शन के साथ हम मीन निकालते हैं तो मीन हम निकालते कैसे हैं मान लो उस क्लास में साठ बच्चे हैं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम होगी कुछ ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी राइट right? तो मीन निकालते टाइम हम सबकी हाइट एड कर देते हैं सबकी हाइट का सम निकालते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें जो नंबर मिलता है वो नंबर क्या होता है वो नंबर हाइट ऑफ वन स्टूडेंट होता है एज्यूमिंग कि सारे बच्चों का क्लास में हाइट बराबर है तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं ठीक है अब इसके बाद एक और चीज आती है कि अगर ऐसा हो कि क्लास में जो बच्चे हैं उसमें एक से अधिक बच्चों का सेम हाइट है ठीक है लेटर सपोज कि यार 140 सेंटीमीटर जो हाइट है ये क्लास के तीन बच्चों का है ठीक है तो अब ऐसे केस में अगर टीचर को मीन निकालना है तो टीचर क्या करेगा आप कहोगे कि क्या करेगा वैसे ही जोड़ेगा हाइट सबके और डिवाइड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इडियल yes वही करना चाहिए लेकिन आप खुद सोच के देखो अगर 140 सेंटीमीटर से पांच बच्चों का हाइट है तो टीचर को क्या करना पड़ेगा 140, plus 140, plus 140, plus 140, plus 140 तो इतना करने से अच्छा है कि हम फोर्टी इंटू कर दें है कि नहीं वो ज्यादा आसान हो गया तो एग्जैक्टली exactly यही लॉजिक हम लगाएंगे जब हमारे पास इस तरह से डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें हाइट दी हुई है और ये पता है कि ये वाली हाइट कितने बच्चों की है ठीक है तो उस केस में हम एक अलग से देखो जैसे टेबल हम इस तरह का बना सकते हैं जिसमें हाइट जो है मान लो उसे हम एक्स आई वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके नीचे जो भी नंबर है वो हाइट है उसके बाद एफ आई जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी वो ये बता रहा है कि ये वाली जो हाइट की वैल्यू है वो कितने बार रिपीट हो रही है राइट right? मतलब 140 सेंटीमीटर जो हाइट है वो कितने बच्चों की है वो चार बच्चों की है वो तीन बच्चों की है दो बच्चों की है एक बच्चों की है राइट right? तो वो हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी ठीक है तो हम मीन कैसे निकालेंगे हम मीन निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई समेशन तो सबको पता है मतलब सम ऑफ है ना तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये न्यूमेरेटर कहाँ से आया उसी लॉजिक से आया कि जब एक ही हाइट पाँच बच्चों की है तो उसको पाँच बार ऐड करने से अच्छा है उसे पाँच से मल्टीप्लाई कर दे है ना तो फाइव इंटू वन फोर्टी प्लस मान लो वन ट्वेंटी सेवन जो हाइट है वो एक बच्चे की है तो वन ट्वेंटी सेवन इंटू वन तो वहां से आ रहा है न्यूमेरेटर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई अब जितनी फ्रीक्वेंसी है इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट क्यों वो क्या बता रहा है कि यार ये वाली हाइट पांच बच्चों की है ये वाली हाइट दस बच्चों की है ये वाली हाइट दो बच्चों की है अब ये सारे बच्चों को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं है, है कि नहीं तो क्या निकला मेरा मीन ही निकला क्योंकि मीन में हम यही करते हैं कि सबसे पहले सारे हाइट को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ बच्चों से समझ आ गया सबको तो इस तरीके से निकलता है मीन ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे एक दूसरे क्वांटिटी की जो कि है मीडियन मीडियन नाम कहाँ से आया है लग रहा है सुन के देखो मिडिल से मीडियन ठीक है तो मीडियन में हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है बहुत सारी नंबर्स दिए हुए हैं जब मुझे मिडल मोस्ट डेटा चाहिए जैसे जैसे इसी टीचर की बात करते टीचर ने बोला कि यार वो परफॉर्मेंस तो कराना था क्लास के बच्चों से लेकिन मुझे जो है ना उस परफॉर्मेंस में एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बीच में खड़ा होगा तो मुझे वैसा बच्चा चाहिए जिसकी हाइट जो है बिल्कुल मिडिल मोस्ट हो मतलब उसके उससे ज़्यादा हाइट वाले जितने बच्चे हों उससे कम हाइट वाले भी उतने ही बच्चे हों तो मुझे जो है बिल्कुल मिडिल वाला हाइट चाहिए राइट तो इस केस में मुझे क्या चाहिए मुझे एक्सट्रीम वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कौन सबसे लंबा है कौन सबसे छोटा है उससे मतलब नहीं है मुझे बीच वाला नंबर चाहिए तो इस मिडिल मोस्ट टर्म को हम कहते हैं मीडियन

एन प्लस वन बाई टू यानी कि मेरे पास पाँच हैं तो एन की वैल्यू है फाइव प्लस वन बाई टू तो सिक्स बाई टू यानी कि थ्री तो यानी कि थर्ड जो मेरा टर्म है या थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरा मिडल मोस्ट है ठीक है अब दूसरा लेते हैं केस जिसमें हम कहते हैं कि यार जो एन की वैल्यू है ना वो इवन है यानी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं दैट इज़ इवन लेट्स से दस हैं मेरे पास ऑब्जर्वेशन तो इनका मिडल मोस्ट क्या होगा ये होगा नहीं होगा क्योंकि इधर चार है इधर पाँच है क्या ये होगा नहीं होगा इधर चार है इधर पाँच है तो कौन सा होगा एक्चुअली ये दोनों ही मिडिल हैं एक तरीके से देखा जाए तो तो यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए हम इन दोनों का मीन निकाल लेंगे ठीक है तो ये दस है तो हम कहेंगे एन बाई टू यानी कि फिफ्थ फिफ्थ वाला टर्म एंड फाइव प्लस वन यानी कि एन बाई टू प्लस वन इथ तो सिक्स तो फिफ्थ और सिक्स टर्म का जो एवरेज होगा दैट इज माई मीडियन ठीक है तो यही होता है मीडियन का पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है तो ऐसे हम निकालते हैं मीडियन क्लियर हो गया बढ़िया अब तीसरे जिस टर्म की हम बात करेंगे वो है मोड मोड क्या होता है मोड हमें बताता है वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है यानी कि क्लास में जो इतने बच्चे हैं कौन सा वो हाइट है जो अधिकतर बच्चों का है अस सपोज मैं कहती हूँ कि यार 150 सेंटीमीटर ये जो हाइट है ना ये क्लास में चार बच्चों का है इसके अलावा बाकी जितने भी हाइट्स हैं वो चार से कम बच्चों का है तो इसका मतलब जो 150 सेंटीमीटर है वो सबसे फ्रीक्वेंट हाइट है करेक्ट तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा मोड ठीक है तो अभी तक हमने तीन चीजों की बात की मीन मीडियन और मोड हालांकि ये तीनों चीजें आपने अपने पिछले क्लास में पढ़ रखी है बट मैंने स्टिल इसे बताया क्योंकि अगर ये तीनों चीजें आपको क्लियर नहीं है तो आपको आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम जो भी बातें कर रहे थे ना वो हम कहीं ना कहीं डेटा के बीचों बीच बात कर रहे थे राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीन की बात करो उसमें हम ये नहीं देखते कि यार कौन सबसे लंबा है कौन सबसे नाट है हम देख रहे थे ऑन एन एवरेज अगर सबका हम हाइट बराबर कर दें तो सबकी हाइट कितनी होगी मीडियन की बात करें तो हम बीचों बीच का डेटा देख रहे थे राइट मोड की अगर बात करें तो हम ऐसा डेटा देख रहे थे जो अधिकतर बच्चों का है तो कहीं ना कहीं जो है ना हम सेंट्रल की तरफ ओरिएंटेड थे तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स मतलब डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी कैसी है वो देखने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं लेकिन देखा यह गया कि डेटा के कंप्लीट इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ मीन मीडियन मोड काफी नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो टेबल्स दिख रहे हैं जिसके अंदर बच्चों के नाम है और है, है, है। है? तो लेटर सपोजल वन में इलेवेंथ क्लास के बच्चों ने मैथ्स में उनके कैसे मार्क्स आए और जो दूसरा टेबल है वो बता रहा है कि उन्हीं बच्चों का टर्मिनल टू में कैसे मार्क्स आए ठीक है अब किसी ने आपके क्लास टीचर से पूछा कि सर uh, ये बताइए कि जो टर्मिनल वन में बच्चों का एवरेज स्कोर था मैथ्स में और टर्मिनल टू में जो एवरेज स्कोर था कौन सा बेटर था ठीक है अब ध्यान से देखना पहले वाले टेबल में अगर आप मीन निकालोगे तो आपकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली थर्टी टू के आसपास आएगी क्योंकि आप सारे मार्क्स को ऐड करोगे और उसे डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करोगे सेम चीज़ जब आप दूसरे वाले टेबल पे करोगे तो यहां पर भी मीन की वैल्यू क्या आएगी लगभग थर्टी ठीक है तो मतलब दोनों ही केस में आपका मीन सेम आ रहा है है ना लेकिन क्या दोनों सिचुएशन सेम है ध्यान से देखो टेबल को तो फर्क यहां पर है कि अगर हम पहले वाले टेबल को देखें तो हम देखेंगे कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिनके 98 आए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके वन भी आए हैं तो मतलब जो डेटा है मेरा वो काफी स्प्रेड आउट है काफी फैला हुआ है राइट right? और दूसरे टेबल को अगर हम देखें तो वहां पे सभी के जो मार्क्स है, है। तो है, है। exactly हैं है राइट कि जैसे जब वाइट लाइट प्रिज्म से जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है सारे सातों कलर्स में सेवन कलर्स में एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन तो लाइट क्या हो रहा है यू स्प्रेड आउट हो जा रहा है तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्पर्जन की हम बात करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि मेरा डेटा कितना स्कैटर्ड है कितना स्प्रेड आउट है तो डिस्पर्जन के जो मेजर्स हैं उसमें कई टाइप्स के होते हैं बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं जिसमें से तीन टाइप्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे पहला है रेंज दूसरा है मीन डिविएशन और तीसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन तो सबसे पहले बात करेंगे रेंज की तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज की रेंज से पता चलता है कि ये बताता है कि भाई कितने रेंज तक या फिर किस हद तक हमारी वैल्यूज जो है वो स्प्रेड आउट है तो हम रेंज निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ठीक है तो चलो वही एग्जाम्पल लेते हैं फिर से कि भाई चलो अगर मेरे पास स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं तो अगर ये दो डिफरेंट सीनारियोज है हमारे पास तो उस केस में हम रेंज कैसे निकालेंगे ठीक है तो लेट अस सपोज ये मेरा टेबल वन है और ये मेरा टेबल टू है और लेट से कि ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के मार्क्स हैं और ये सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के मार्क्स हैं ठीक है ना तो फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम के मार्क्स का जो रेंज है अगर हम उस रेंज को देखें तो क्या है इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या है वो है नाइन्टी एट और जो मिनिमम मार्क्स है वो क्या है वन तो बेसिकली नाइन्टी एट माइनस वन यानी कि रेंज क्या है नाइन्टी सेवन और वहीं अगर हम टेबल टू की बात करें तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है वो है थर्टी फाइव और जो मिनिमम वैल्यू है यहां पे वो है ट्वेंटी नाइन तो यहां का रेंज क्या हो जाएगा थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन यानी कि सिक्स तो इस वैल्यू से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दोनों टेबल्स हैं हालांकि उनके मीन या फिर एवरेज सेम है लेकिन उनका रेंज काफी अलग है 97 रेंज है यानी कि वो काफी ज्यादा स्प्रेड आउट है काफी ज्यादा डिस्पर्स डेटा है एंड सिक्स अगर रेंज है इसका मतलब है कि सारे जो नंबर्स हैं सारे डेटा जो है वो एक पॉइंट के आसपास में ही लोकेटेड है अब बात करते हैं मीन डिविएशन की तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये होता क्या है तो इसमें हमें हमें क्या चाहिए हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा डेटा कितना स्कैटर्ड है ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक सेंट्रल वैल्यू लेंगे जो भी मेरा डेटा है उसमें से एक सेंट्रल वैल्यू को हमने लिया अब हम ये देखेंगे कि इस सेंट्रल वैल्यू से बाकी सारी वैल्यूज कितने डिविएटेड है कितने दूर पे है उससे हमें आइडिया लगेगा राइट कि डेटा कितना स्कैटर्ड है सेंट्रल वैल्यू से समझ रहे हो बात को सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही डेटा है या फिर सेंट्रल वैल्यू से बहुत दूर दूर डेटा है इससे हमें पता लग जाएगा तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है अब इसे हम करते कैसे हैं एक सेंट्रल वैल्यू ले लिया ठीक है कौन सा लेंगे कैसे लेंगे वो बाद में बताऊंगी अभी ये मान के चलो एक सेंट्रल वैल्यू लिया मैंने ठीक है अब बाकी जितने भी मेरे डेटा हैं बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सब में से मैंने इस सेंट्रल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया उससे क्या होगा मुझे पता चलेगा कि वो नंबर सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पे है देखो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपको दिख रहा है जिसमें सिर्फ पाँच नंबर ही हैं मतलब मैंने छोटा रखा है जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इसमें से मैंने एक बीच वाले नंबर को सेंट्रल वैल्यू मान लिया उस उस नंबर को बाकी सारे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो मिला मुझे वो क्या है डिविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे तो टोटल डिविएशन चाहिए डेटा का एक एक नंबर का डिविएशन नहीं चाहिए मुझे पूरे डेटा का डिविएशन चाहिए यानी कि मुझे इन सारे को ऐड करना पड़ेगा समझो बात को राइट right? मुझे किसका चाहिए? इस पूरे डेटा का डिविएशन तो लेके मुझे कुछ काम नहीं आएगा एक एक नंबर का डिविएशन लेंगे फिर पूरे डिविएशन को कर देंगे ऐड बट उसमें मुझे यहां पर आ जाएगी एक दिक्कत क्यों ये जो सेंट्रल नंबर लिया ना सेंट्रल नंबर से छोटे कुछ नंबर है सेंट्रल नंबर से बड़े कुछ नंबर है तो अब जब सेंट्रल नंबर को हम इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है कुछ नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा कुछ नंबर के लिए नेगेटिव आएगा तो जो मेरा डिविएशन आएगा वो कुछ पॉजिटिव नंबर्स होंगे कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे अब जब मैं सारे डिविएशन को ऐड कर दूंगी तो काफ़ी चांसेस हैं कि कई केसेस में मेरा सम ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है जहां दोनों की वैल्यू बराबर हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं ये वाला एग्जाम्पल देखो इस एग्जाम्पल में हमारे पास पांच डेटा है मतलब बीच का ट्वेंटी टू को मैंने मान लिया सेंट्रल वैल्यू ठीक है तो अगर ट्वेंटी टू को मैं इन सारे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है जो मेरा डिविएशन निकल के आ रहा है इनको मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा जीरो तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस तो नहीं चलेगा है ना तो हम क्या करें सोच के देखो हमें किस चीज से मतलब है हमें इस चीज से मतलब है कि जो मेरी सेंट्रल वैल्यू है यहां से मेरे बाकी नंबर कितनी दूरी पे है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नंबर इससे बड़ा है या छोटा ठीक है जो नंबर यहां पर है वो इससे उसका डिफरेंस इससे प्लस फाइव है या माइनस फाइव है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा इंटरेस्ट किसमें है फाइव में कि वो फाइव यूनिट्स दूर है वो टेन यूनिट्स दूर है तो मतलब प्लस और माइनस से इस सिचुएशन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगी मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी तो ये जो डिविएशन मैं कैलकुलेट करूंगी डिविएशन का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी यानी कि उस पर लगा दूंगी मॉड तो प्लस हो चाहे माइनस हो मुझे हमेशा क्या मिलेगा प्लस है ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ठीक है चलो इस तरह से मैंने डिविएशन निकाल लिए लेकिन जैसा कि मैंने बताया मुझे इस पूरे डेटा का डेविएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी इन सारे डेविएशन को ऐड कर दूंगी एंड डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दूंगी यानी कि जो डेविएशन निकाला मैंने एक एक डेटा पॉइंट के लिए एक एक नंबर के लिए जो डिविएशन निकाला उसके बाद इस पूरे डिविएशन का मीन निकाल लिया मीन कैसे निकालेंगे सारे डिविएशन को जोड़ दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ठीक है तो ये मेरा लॉजिक है ये फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा डेटा का स्प्रेड कितना है करेक्ट तो अब आपको पता चला इसे हम मीन डिविएशन क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं डिविएशन निकालते हैं उसके बाद क्या करते हैं डिविएशन का मीन निकालते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ा मीन डिविएशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको जिसको नहीं समझ आया वो उसको वापस से चला के देखो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको समझ में आ गया वो आगे बढ़ो क्योंकि अब आगे मैं बताऊंगी फार्मूला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है फॉर्मूला देखो खुद ही समझ में आ जाएगा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सवाल ये उठता है कि ये सेंट्रल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है तो ये सेंट्रल वैल्यू मीन भी हो सकती है ये सेंट्रल वैल्यू को आप मीडियन भी ले सकते हो तो जब आप मीन के अबाउट मीन डिविएशन निकालते हो तो ये आप उसे कहते हो मीन डिविएशन अबाउट मीन और उस केस में अगर आप इसके फॉर्मूले को देखो तो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने डिस्कस किया कि हर एक वैल्यू से यानी कि हर एक एक्साइज से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक सेंट्रल वैल्यू और हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे क्या है मीन है तो मतलब हर एक्स uh, की वैल्यू से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ठीक है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बिकॉज हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और फिर इसका मीन निकाल लेंगे इसका एवरेज निकाल लेंगे तो सम कर देंगे सारे ऐसे एक्स आई माइनस एक्स बार को एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर दैट इज एन ठीक है वही लॉजिक है ठीक इसी तरीके से जब हम मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे सब कुछ वैसा ही रहेगा सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा मीन के जगह अब हम लेंगे मीडियन तो बच्चों यहां तक सब समझ आ रहा है आई होप समझ आ रहा हो ठीक है तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप्ड डेटा के बारे में ग्रुप डेटा के, के केस में हम किस तरीके से निकालते हैं मीन डिविएशन अब ग्रुप डेटा ये कौन सी चीज़ है हालांकि ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने बट अगर याद नहीं है कोई बात नहीं मैं अभी फिर से समझा रही हूँ आपको क्या होता है कि अगर डेटा खूब सारा हो हमारे पास तो उसे हैंडल करना मुश्किल होता है तो तमाम उसके ग्रुपिंग करते हैं ठीक है जैसे वही एग्जाम्पल लेंगे हाइट वाला मैंने कहा कि यार क्लास में जो है साठ बच्चे हैं उनकी हाइट चाहिए मुझे तो मैंने क्या किया बच्चों के नाम लिखे इसकी इतनी हाइट है इसकी इतनी हाइट है इसकी इतनी हाइट है ऐसे एक टेबल बना दिया जिसमें सारे साठ बच्चों के नाम है उनकी हाइट है ठीक है अब साठ बच्चे थे तो ये पॉसिबल था इसे हम किस तरह का डेटा कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा ठीक है अब मान लो क्या हुआ कि साठ की जगह अगर हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार बच्चे हैं राइट तो अब इत, ऐसे ये लिखना जो है इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया तो हम क्या करते हैं हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं अब दो तरह की ग्रुपिंग की यहां पर हम बात करेंगे एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार 150 सेंटीमीटर हाइट वाले 10 बच्चे हैं 140 सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चे हैं 50, ठीक है 127 सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चे हैं 30. तो यहां पर क्या हो रहा है जो फ्रीक्वेंसी हम बता रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि इतने बच्चे हैं 120 सेंटीमीटर हाइट वाले मतलब एक पर्टिकुलर हाइट वाले इतने बच्चे हैं तो इसे हम चूंकि यहाँ पर हम डिस्क्रीट वैल्यू दे रहे हैं कि वे डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ हाइट फॉर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी तो इसीलिए इसका नाम है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दूसरा टाइप होता है उसमें जो है ना हम और थोड़ा सा ग्रुपिंग करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि यार 120 सेंटीमीटर से 129 सेंटीमीटर तक के हाइट वाले इतने बच्चे हैं मतलब मैं एग्जैक्ट एक नंबर नहीं बता रही हूं कि इतने इस हाइट के इतने बच्चे हैं मैं कह रही हूं कि ये रेंज में लाई करने वाले हाइट के उसके अंदर 121 सेंटीमीटर वाले भी आ गए 125 सेंटीमीटर भी आ गए तो मैंने एक रेंज दे दिया कि वन से वन तक के हाइट वाले इतने बच्चे हैं तो ये जो है ये हो गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो अभी हम क्या देखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम किस तरीके से मीन डिविएशन निकालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि हमें यहां पर दिख रहा है कि भाई हर एक एक्स आई की वैल्यू के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एफ आई मतलब ये आप वैसे समझ लो कि भाई अगर मान लो ये एक्स आई जो है अगर हमारा हाइट है एक ऐसी रफ एग्जाम्पल दे रही या मान लो एक्साइज मार्क्स है, है तो कितने बच्चे हैं जिनके दो नंबर आए हैं ऐसे दो बच्चे हैं कितने बच्चे हैं जिनके पांच नंबर आए हैं आठ बच्चे हैं राइट सो so, एफ जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके ये सेम नंबर आए हैं ठीक है ना बढ़िया तो अभी इस केस में अगर हमें मीन डिविएशन निकालना हो अबाउट मीन तो हम कैसे निकालेंगे इसे हम डिनोट करते हैं एम डी से मीन डिविएशन और ब्रैकेट में अगर हम एक्स बार लिखते हैं यानी कि हम अबाउट मीन निकाल रहे हैं ठीक है क्योंकि एक्स बार डिनोट करता है मीन तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई तो देखो ये एफ आई वाला टर्म जो है ना ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है ये एक्स्ट्रा आ गया है राइट right? कॉन्सेप्ट वही है कि चूंकि यहां पर एक्स आई और एफ आई का कॉन्सेप्ट आ गया है तो इसीलिए हम समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कर रहे हैं क्योंकि जो दो नंबर हैं ये दो बच्चों को आए हैं सो so, टू के साथ इंटू टू करना पड़ेगा उसी तरह जो पांच नंबर है ये आठ बच्चों को आया है सो so, फाइव के साथ इंटू करना पड़ेगा है ना तो वो वाला वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर बट यहाँ पर हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वही एक्स बार सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे फिर उस पूरे का एवरेज लेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई जब हम करेंगे ये सारे फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें बेसिकली मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट मतलब जैसे समझ लो अगर मैं यहाँ पर लेट अस से मेरे मेरा ये एक्स आई जो है ये मार्क्स है और ये फ्री एफ आई जो है ये लेटर सपोज ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ठीक है तो अगर मैं ये, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा यानी कि एन मिलेगी एन की वैल्यू मिलेगी इसीलिए समेशन ऑफ एफ आई की जगह मैंने लिख दिया है कैपिटल एन ठीक है तो ये मेरा फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे और आई होप कि आपको फॉर्मूला का लॉजिक समझ आ गया है, है ना मीन डिविएशन पहले डिविएशन निकालेंगे उनका एब्सुल्यूट uh, वैल्यू लेंगे फिर उस पूरे चीज का मीन निकालेंगे इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है चलो इसी के लिए हम लोग निकालते हैं मीन डिवियेशन अबाउट मीन ठीक है तो मेरे पास हमेशा ये स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन के लिए ना आपको इस तरह से टेबल बनाने पड़ते हैं बिकॉज अदरवाइज कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट तो मेरे पास दिया हुआ है एक्स आई की वैल्यूज और एफ आई की वैल्यूज ठीक है तो इसको लिख लेते हैं अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा जो सबसे पहली चीज की हमें जरूरत है वो क्या है वो है एक्स बार तो हमारा पहला स्टेप होगा एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करना मीन की वैल्यू कैलकुलेट करना क्योंकि मीन को हमें इन सारे एक्स आई से सब्ट्रैक्ट करना है राइट अच्छा मीन हम कैसे निकालते हैं इस केस में इस तरह के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन कैसे निकालते हैं मैंने शुरू में बताया था मीन हम निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई ठीक है समीशन ऑफ एफ आई इन ये सारे एफ आई को अगर जोड़ दोगे तो क्या आएगा इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा फोर्टी अच्छा तो इसका मतलब समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई मतलब एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करो हर एक एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करो उसके बाद उन सबको जोड़ दो तो इसीलिए हम लोग यहां पर एक एक्स आई एफ आई का कॉलम बना लेते हैं आसान हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फोर्टी इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ और इसका सम निकाल लो तो ये समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी थ्री हंड्रेड बाई फोर्टी यानी कि सेवन पॉइंट फाइव तो ये सेवन पॉइंट फाइव क्या है ये x बार यानी कि मीन की वैल्यू निकल गई ठीक है अच्छा अब इस फॉर्मूले पे ध्यान दो इस फॉर्मूले पे हमें क्या चाहिए हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार तो सबसे पहले तो एक्स आई माइनस एक्स बार इसका मॉड इसको निकालेंगे हम ठीक है एक बार जब इसकी वैल्यूज निकल जाएगी फिर हम क्या निकालेंगे फिर हम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ठीक अब आपको समझ आ रहा है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब ऐसे करेंगे ना तो ये बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे चीजों को है ना तो अब बार का मॉड निकालो एक्स आई तो ये रहा और एक्स बार क्या है टू माइनस सेवन पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस फाइव पॉइंट फाइव बट उसमें बार लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो बेसिकली हम उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे विच इज फाइव पॉइंट फाइव उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा फाइव विच इज एक्स आई माइनस सेवन पॉइंट फाइव तो हो जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव लेकिन हम मॉड लेंगे तो हो जाएगा टू पॉइंट फाइव उसी तरह बाकी सबकी वैल्यूज लिखेंगे अब लास्ट वाले कॉलम को फिल करेंगे ये जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई के साथ तो हमें मिल जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार तो टू इंटू फाइव पॉइंट फाइव क्या हो जाएगा इलेवन उसी तरह एट इंटू टू पॉइंट फाइव क्या हो जाएगा ट्वेंटी टेन इंटू वन पॉइंट फाइव फिफ्टीन अच्छा अब अगर हम फॉर्मूले को देखें तो हमें समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए यानी कि या, ये जो वैल्यूज निकली इनका सम चाहिए ऐड तो कर देते हैं ये आ जाएगा 92, ठीक है तो अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं मीन डिविएशन अबाउट मीन ये क्या हो जाएगा वन बाई कैपिटल एन कैपिटल एन क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई 40, उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इसकी वैल्यू क्या निकली है 92. टू पॉइंट थ्री इज माई आंसर ठीक है मतलब इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है जस्ट दैट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला कहाँ से आया वो लॉजिक पता होना चाहिए और फॉर्मूला से निकालने के लिए जो भी वैल्यूज चाहिए उसके आपको ऐसे अलग अलग कॉलम बना के सॉल्व करना है तो अब ठीक उसी तरीके से मीन डिविएशन निकालते हैं उसी वही एग्जाम्पल कंटिन्यूड है हमारा बट अब हम क्या करेंगे हम मीन डिविएशन निकालेंगे अबाउट मीडियन अब हम मीडियन के अबाउट निकालेंगे सब कुछ सेम रहेगा क्या चेंज हो गया है सिर्फ मीन की जगह इस फॉर्मूले में यहां मीडियन आ गया है दैट्स इट ठीक है तो यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा हमारा सबसे पहला स्टेप होगा मीडियन कैलकुलेट करना ठीक है ना अच्छा अब मीडियन के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ रखा है भाई चलो पहले तो टेबल बनाने की तैयारी करते हैं ये एक्स आई दिया हुआ है हमारे पास एफ आई दिया हुआ है हमारे पास ठीक है मीडियन निकालने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है और उसे हम कहते हैं किम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, है ना मीडियन आप सभी ने पढ़ रखा है अब हमने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है फिर से बता देती हूँ जब कभी भी इस तरह का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो इस केस में हम मीडियन कैसे बताते हैं मीडियन कौन सी वैल्यू होती है जो बीच वाली वैल्यू है एक्स आई की अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना कि ये वाली वैल्यू इतनी बार रिपीट हो रही है ये वाली वैल्यू इतनी बार रिपीट हो रही है तो हम बताएं कैसे कि भाई बीच वाली वैल्यू कौन सी है तो वो बताने के लिए हम यूज करेंगे क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ठीक है तो सबसे पहले तो एक्स आई की वैल्यूज फिल करते हैं अब एफ आई की वैल्यूज फिल करते हैं अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं जैसे जो क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक का सारा अक्यूमुलेट होके कितना फ्रीक्वेंसी है सो दैट इज क्यूमेटिव तो यानी कि पहले वाले रो के लिए तो टू ही है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा अभी तक का पूरा फ्रीक्वेंसी यानी कि पहले कितना था टू अब कितना है एट टू प्लस टूट टू प्लस एट टेन तीसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा अभी तक का पूरा फ्रीक्वेंसी पहले कितना था टेन अभी कितना है टेन तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी यहाँ पे कितना हो जाएगा पहले था ट्वेंटी अब आ गया सेवन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन तो इस तरीके से निकालते हैं हम क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई अब मैम ये बताओ कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे ठीक है चलो अब देखते हैं कि भाई मीडियन कैसे निकलेगा ठीक है ना तो मीडियन का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास इवेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं राइट right? याद है हमने पढ़ा था कि अगर जो है हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन कौन सा वाला टर्म होता है तो मीडियन जो होता है वो क्या होता है मीन ऑफ एन बाई टू एंड एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म ठीक है और अगर हमारा एन जो है वो ऑड है तो मेरा मीडियन क्या हो जाता है एन बाई टू एथ टर्म सॉरी एन प्लस वन बाई टू एन तो ये हमने पढ़ा था मीडियन के बारे में ये मतलब बेसिक्स जो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था है ना तो यहां पर पहले देख लो कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं अब गलती से भी आप ऐसे मत जोड़ने लगना एक दो तीन चार पांच छ नहीं छ नहीं है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं तब अगर मैं उस तरीके से बात करूं कि भाई ये बच्चों के हाइट है और ये बच्चों के नंबर है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है नंबर नंबर ऑफ ऑफ तो हमें कहां से मिलती है तो इसको ना कैपिटल एन से लिखती हूं मैं तो आई थिंक बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है ना तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा है क्या दैट इज समेशन ऑफ एफ राइट तो ये जो एफ है समेशन ऑफ एफ आई जो है वो है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इन इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा यहाँ पे यहाँ पे ये यह फोर्टी आ रहा है तो फोर्टी क्या है इवन है तो अगर फोर्टी इवन है तो मीन ऑफ कौन से कौन से टर्म का निकालना पड़ेगा हमें फोर्टी बाई टू यानी कि ट्वेंटी टर्म एंड ट्वेंटी फर्स्ट टर्म इन दोनों का हमें मीन निकालना होगा और वो बन जाएगा हमारा मीडियन तो अभी फिलहाल तो हम क्या निकाल रहे हैं फिलहाल तो हम मीडियन ही निकाल रहे हैं क्योंकि पहले मीडियन निकलेगा तभी तो कुछ और निकलेगा है ना तो चलो अब हम निकालेंगे मीडियन ठीक है तो अब देखते हैं कि यार ट्वेंटी टर्म कहां पर फॉल कर रहा है अब इसमें मदद करेगा हमारी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है तो यहां पर हमारा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है कि ट्वेंटी जब तक फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी है तो वो यहाँ पर है यानी कि ट्वेंटी फ्रीक्वेंसी तक जो एक्स आई है सिक्स, है ना तो मैं कौन से ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूं ट्वेंटियथ ऑब्जर्वेशन तो मेरा ऑब्जर्वेशन कौन से वाले में आएगा इसमें आएगा ट्वेंटियथ नंबर वाला जो बच्चा है यहाँ पर बीस बच्चे हो गए मेरे राइट right? तो पहला वाला जो रो था ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था दो बच्चे उसके बाद ये दस बच्चे फिर बीस बच्चे फिर सत्ताईस बच्चे राइट बिकॉज दैट इज नथिंग बट दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी को अभी मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ तो मतलब ट्वेंटी बच्चा जो है मेरा वो इस रो को बिलोंग करेगा ट्वेंटी बच्चा जो है वो इस रो में बिलोंग करेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ बीस ही बच्चे हैं यहाँ सत्ताइस बच्चे हैं तो इक्कीसवा बच्चा जो है वो इस रो को बिलोंग करेगा राइट right? तो ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है सिक्स और ट्वेंटी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है एट तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मीन निकालेंगे तो मीडियन क्या हो जाएगा सिक्स प्लस एट बाई टू यानी कि फोर्टीन बाई टू यानी कि सेवन तो मीडियन हो जाएगा मेरा सेवन तो मीडियन निकालने का यही तरीका है कभी भी मीडियन निकालना है तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो ठीक है उसके बाद आप ये देखो कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है ठीक है तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको वो दोनों टर्म को कंसिडर करना है तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताएगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है तो मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है उसका जो मिडिल वैल्यू है मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है दैट इज सेवन तो अब मीडियन निकल गया चलो एक काम तो खत्म हुआ अब इस फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है एक्स आई माइनस एम चाहिए हमें यानी कि सारे एक्स की वैल्यू से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करते रहना है तो इसका एक कॉलम बना लेते हैं और उसके बाद हमें क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एम तो यानी कि एक एफ आई एक्स आई माइनस एम इसका भी एक कॉलम बना लेते हैं ठीक है तो एक्स आई माइनस एम यानी कि टू एक्स आई की वैल्यू क्या है टू माइनस सेवन क्या हो जाएगा माइनस फाइव बट हम मॉड लगा दिए हैं तो यह हो जाएगा माइनस टू बट मॉड लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टू और इसी तरीके से सबके निकालेंगे अब एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम यानी कि ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली वैल्यू के साथ तो ये हो जाएगा टेन उसी तरह टू को मल्टीप्लाई कर देंगे एट के साथ तो ये हो जाएगा सिक्सटीन अब अगर फॉर्मूले पे ध्यान दे तो मुझे समेशन ऑफ ये चीज चाहिए मतलब इस वाले पूरे कॉलम को मुझे सम चाहिए इसका तो समेशन ऑफ ऑफ माइनस एम ये क्या हो जाएगा इन सबको ऐड कर लेंगे तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ रहा है मेरा नाइनटी टू तो अब जो है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा वन बाई एन एन की वैल्यू है फोर्टी इन टू समेस ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम यानी कि नाइनटी टू विच इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री तो इस तरीके से निकलेगा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन तो अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ठीक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि भाई एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यू थी अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि उसमें क्या था कि हाइट दी हुई थी कि भाई इतने हाइट वाले इतने बच्चे हैं इतने हाइट वाले इतने बच्चे हैं इसमें क्या होगा कि हम एक स्पेसिफिक हाइट की बात नहीं कर करें हम कह रहे हैं कि भाई नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर से हंड्रेड फाइव सेंटीमीटर के बीच में जिनकी हाइट है वैसे बच्चे हैं नौ उसी तरह 105 और 115 के बीच में जितनों की हाइट है वैसे बच्चे हैं 13 तो बेसिकली हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम एक इंटरवल दे दे रहे हैं कि यहां से यहां तक लाई करने वाले इतने बच्चे हैं ठीक है तो चीजें जो है थोड़ी और ज्यादा ग्रुप्ड हो गई हैं मतलब तो बेसिकली चीजें ग्रुप्ड हुई है यहाँ पर राइट right? तो इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा और इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब यहां पर हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं अबाउट मीन तो अबाउट मीन अगर हमें यहां निकालना हो तो अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो फॉर्मूला मेरा वही है कुछ अलग नहीं है ठीक है बट आप देख रहे होंगे कि नीचे जो है मैंने एक शॉर्टकट कैलकुलेशन की बात करी है अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्टकट कैलकुलेशन की जरूरत क्या है मुझे मैं तो एक बार मजे से निकाल रहा था ठीक है अगर मजे से निकाल रहे थे तो यहां पर भी मजे से निकालने की कोशिश करो तो आपको पता लगेगा कि भाई शॉर्टकट की जरूरत क्यों हुई तो हम इसी एग्जाम्पल को करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें यहां पर हाइट दी हुई है तो ऑब्वियसली हाइट हो जाएगा हमारा पहला कॉलम ठीक है और क्या दिया हुआ है अच्छा हाइट दी हुई है तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सआई की वैल्यू जो है वो हम हमेशा ये जो इंटरवल होता है ना इसका मिड पॉइंट लेते हैं जैसे 95 टू दिया हुआ है तो XI कैसे निकालेंगे 95 डिवाइडेड तो क्या आ जाएगा 100 तो मेरी एक्सआई की वैल्यू हो जाएगी 100 ठीक है अच्छा और क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है वो कितना है वो है नाइन ठीक इसी तरीके से ये सारे वैल्यूज फिल कर लेते हैं ठीक है तो यहां तक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है नेक्स्ट स्टेप होता है एक्स बार निकालना राइट right? क्यों क्योंकि हमें तो अबाउट मीन मीन निकालना है है ना तो mean निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि भाई एक्स बार की वैल्यू निकालो ठीक है तो जो फॉर्मूला हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं उसके हिसाब से एक्स बार क्या होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई ठीक तो तो है है तो तो ऑफ आसान इन ऐड कर देंगे हम तो ये आ जाएगा हंड्रेड तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई ठीक है बट हमें और क्या चाहिए होता है हमें समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई भी चाहिए तो यानी कि एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ेगा अब देखो यहां पर क्या होता है हंड्रेड इंटू नाइन चलो आसान था नाइन हंड्रेड वन हंड्रेड टेन इंटू थर्टीन थोड़ी दिक्कत आएगी अब इस तरह की कैलकुलेशन करने में वन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी सिक्स वन थर्टी इंटू थर्टी वन फोर्टी इंटू ट्वेल्व अब ये जो है ना यहां पर मेरा कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है ये हो जा रहा है टीडीएस है ना चाहे तो कर सकते हैं बट अब जो है ना इनको करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना दिस प्रोसेस इज नॉट वर्किंग आउट इस केस में ये काफ़ी टीडियस और काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन वाला प्रोसेस हो जा रहा है तो इसीलिए इस प्रोसेस को ना लगा के हम ऐसा नहीं कि ये गलत है बट ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा तो इसीलिए इसके बजाय हम फॉलो करेंगे एक शॉर्टकट तो मतलब चैलेंज हमें क्या आ रहा था एक्स बार कैलकुलेट करने में ही चैलेंज आ रहा था राइट तो इसीलिए एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये शॉर्टकट मेथड निकाला ठीक है और ये शॉर्टकट मेथड क्या कहता है इस शॉर्टकट मेथड को हम स्टेप डिविएशन मेथड भी कहते हैं ठीक है तो ये मेथड के हिसाब से इनफैक्ट इस मेथड के बारे में आपने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से यहां पर हम मीन मीन लेते हैं जिसे कई बार मेथड भी कहा जाता है ठीक है ना तो ये है इसका फॉर्मूला बट हम कभी भी डायरेक्टली फार्मूला तो रटते नहीं है तो हम हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से तो किस तरह से ये फॉर्मूला बना जैसे ही वो समझ में आ जाएगा तो फार्मूला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ठीक है ना तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में कि बार यानी कि मीन निकालने के लिए हम एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं यानी कि एक नंबर को किसी भी एक नंबर को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं इसीलिए हम उसे कहते हैं एज्यूम्ड मीन ठीक है उसके बाद जो भी ये डिविएशन है ना उसको हम एज्यूम्ड मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ मतलब कुछ यूं हुआ इसको जो है मैं ऐसे नंबर लाइन में समझाती हूँ लेटर सपोज ये मेरा नंबर लाइन है ठीक है अब मान लेते हैं जस्ट टाइम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल मैंने ये वाला केस नहीं ले रही हूँ सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर है जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं ठीक है ये क्या है ये मेरी x की वैल्यूज है मतलब एक्स आई की वैल्यूज है लेटर सपोज जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी ठीक है अब हमें क्या करना है इन एक्स आई की वैल्यू में से एक किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानना है तो लेटर सपोज हमने बीचों बीच की एक वैल्यू ले ली फोर्टी और मैंने कहा कि यार ये जो है ना ये मेरा एज्यूम्ड मीन है क्योंकि एज्यूम्ड मीन में मीन कैलकुलेट नहीं करना है बस एज्यूम करना है कि ये मेरा मीन है अब मैं क्या करूंगी सारे डिविएशन जो है इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगी यानी कि इन सारे एक्सआई की वैल्यू से मैं फोर्टी सब्ट्रैक्ट करती चली जाऊंगी ठीक है तो जब मैं फोर्टी सब्ट्रैक्ट करती चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा एट्टी में से फोर्टी सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा फोर्टी सेवेंटी से फोर्टी सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा थर्टी सिक्सटी से किया तो हो जाएगा ट्वेंटी फोर्टी से फोर्टी सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा जीरो थर्टी से फोर्टी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा माइनस टेन ठीक है तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हो जाएंगी मेरी आफ्टर डिविएशन की वैल्यू यानी कि डिविएशन कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये वाली वैल्यूज मिलेंगी ठीक है अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज मत होना अभी मैं जो बता रही हूं मैं ये बता रही हूं ये एज्यूम्ड मीन मेथड बता रही हूं कि कैसे हम एक्स बार यानी कि मीन को कैलकुलेट करेंगे आसानी से ठीक है ना अब हम देखेंगे कि ये जो आफ्टर डिविएशन वाली वैल्यू है क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि टेन एक कॉमन फैक्टर है तो अगर हम टेन से सबको मल्टीप्लाई करते सबको डिवाइड कर दे तो हमें एक बहुत ही सिंपल कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी जैसे कि फोर थ्री सबको हमने टेन से डिवाइड कर दिया तो मुझे कुछ यू मिल जाएगा ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं स्टेप डिविएशन ठीक है तो इससे हमने ये स्टेप डिविएशन क्यों किया इससे जो है ना हमारे जो नंबर्स थे उनके साइजेस छोटे हो गए 44 बन गया 33 बन गया 22 बन गया और चूंकि इनके साइज छोटे हो गए तो हमारी कैलकुलेशन जो भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम करेंगे वो सब कुछ सिंपल हो जाएगा राइट क्योंकि वही हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जब हम एक्स आई एफ आई कैलकुलेट करने जा रहे थे तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ठीक है ना तो ये हो गया तो यहां पर बेसिकली हमने किया क्या हमारे पास था जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी यू एट्टी तक था उसको हम कहाँ ले आए माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो इतना सिंपल फॉर्म में ले आए और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड ठीक है तो यहां पर कुछ कुछ वैल्यूज थी तो ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया कि कैसे हम करते हैं तो इसे अगर हमें जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये यह, यहां से ये यह जो वैल्यू मिली वो कैसे मिली सारी एक्स आई की वैल्यू से पहले तो हमने डिविएशन निकाला तो अस सपोज कि इस एज्यूम्ड मीन को अगर हम स्मॉल ए से डिनोट करें तो हमने क्या किया एक्स की सारी वैल्यूज में से हमने ए सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद जो भी वैल्यू हमें मिली जैसे कि फोर्टी थर्टी टेन ट्वेंटी जो भी मिली हमें उन सबको हमने डिवाइड कर दिया एक कॉमन फैक्टर से लेटर सपोज उसे हम एच से डिनोट करते हैं ठीक है तो ऐसा करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिला वही मेरा ये स्टेप डिविएशन है यानी कि जो सिंपल वैल्यूज हैं और बेसिकली यही चीज हम अब करने वाले हैं तो यानी कि जैसे जो भी मेरा गिवन डेटा है ये मेरी एक साई की वैल्यूज है गिवन डेटा में तो अगर ये मेरी आई की वैल्यूज हैं, इन एक्स आई में से अगर मैं माइनस ए कर दूं डिवाइडेड बाय एच कर दूं तो मुझे भी इस तरह से सिंपल फॉर्म में स्टेप डिविएशन मिल जाएंगे और मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा राइट right? तो वही चीज अब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे इस, इसके बाद जो हमारा अगला कॉलम बनेगा वो कॉलम क्या बनेगा अगला कॉलम बनेगा डी आई का इसे हम डी आई से डिनोट करते हैं ठीक है और डी आई इसी तरह से कैलकुलेट होगा अब डी आई करने के लिए मुझे एक मीन लेना पड़ेगा तो समझ लो लगभग बीच का कोई वैल्यू ले, ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन अस सपोज हमने एज्यूम्ड मीन यहां पे लिया वन थर्टी को तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन थर्टी ठीक है तो अगर एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो एक्स आई माइनस ए यानी कि हंड्रेड माइनस वन थर्टी क्या हो जाएगा माइनस थर्टी हंड्रेड टेन माइनस वन थर्टी क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी तो देखेंगे माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी माइनस टेन जीरो प्लस टेन प्लस ट्वेंटी ऐसे मिलेंगे वैल्यूज तो इन सब का एक कॉमन फैक्टर क्या है टेन तो एच की वैल्यू क्या है टेन ठीक है तो अब डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच जिसमें ए की वैल्यू वन थर्टी डाल दो और एच की वैल्यू टेन डाल दो तो तुम्हें यहां पर क्या मिल जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो One, two. तो डी आई की इतनी सिंपल वाली वैल्यूज मिल गई ठीक है अब जो है अब इस फॉर्मूले पे फोकस करो ठीक है ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो मीन है दैट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई यानी कि मुझे एफ आई डी आई की भी वैल्यू चाहिए होगी तो एफ आई डी आई का भी एक कॉलम बना लेते हैं है ना अब ये एफ आई और ये डी आई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह ये एफ आई ये डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे ये एफ आई ये डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज लिखेंगे नाइन इंटू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन थर्टीन इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो ये अब एफ एफ आई डी आई आ गया और इसका समेशन तो हम निकाल ही लेंगे नीचे इन सबको ऐड कर देंगे तो समेन ऑफ एफ निकल जाएगा ठीक तो है तो मैं प्रोसेस बता रही हूँ तो एक बार समेन ऑफ एफ निकल गया तो ए की वैल्यू मुझे पता है एन की वैल्यू मुझे पता है एच की वैल्यू मुझे पता है तो एक्स बार की वैल्यू तो मैं निकाल ही लूंगी है ना एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बार हो जाएगी ए यानी कि वन थर्टी प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस फोर्टी सेवन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन जो कि है समेशन ऑफ एफ आई विच इज हंड्रेड इंटू एच एच की वैल्यू है टेन तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा लगभग वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री तो इस तरह से मेरी एक्स बार की वैल्यू आ गई है ना अब लोग सोच रहे होंगे कि यार शॉर्टकट कह के तो इतना टाइम लगा दिया वो इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपके को पूरे प्रोसेस को समझाया राइट right? बट एक बार अगर आपको पता है कि यार एफ आई का कॉलम बनाने के बाद मुझे सीधा डी आई का कॉलम बनाना है देन इट इज नॉट गोइंग टू टेक सो मच टाइम अभी तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया ना पूरा एज्यूम्ड मीन मेथड स्टेप डिविएशन वगैरह वगैरह तो यू डू नॉट नीड टू डू ऑल दैट आपको सीधा सीधा जाके डी आई बनाना है ठीक है एफ आई डी आई बनाना है और उसके बाद आपकी एक्स बार की वैल्यू निकल गई अब एक्स बार की वैल्यू निकल जाने के बाद आपको क्या करना है अब आपको यूज करना है मीन डिविएशन का फॉर्मूला तो वापस चले जाते हैं मीन डिविएशन वाले फॉर्मूले पे मीन डिविएशन अबाउट मीन तो मीन निकालना ही चैलेंज था तो अब मैंने मीन निकाल लिया है अब मीन निकल गई है तो हम अगला अपना कॉलम वही वापस से बनाएंगे कैसा वाला एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ठीक है तो हर एक एक्स आई की वैल्यू में से हम एक्स बार की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे उसके बाद क्या एक कॉलम बनाएंगे एफ आई ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ठीक है तो अब ये सारे कैलकुलेशन मैं कर नहीं रही हूँ बिकॉज दैट विल एक्चुअली कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम तो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू द एंटायर मेथड ठीक है तो मतलब जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे सो so आप क्या करोगे आप सिर्फ इस टेबल को बनाओगे बिकॉज दैट इज ऑल दैट यू नीड टेबल और आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए एक तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला ठीक है ई होप दिस इज क्लियर जिनको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है उन्हें मैं बताती हूँ कि आप एक बार इसको फिर से रिकैप करो इस पार्ट को एंड सिट विथ पेन एंड पेपर जैसे जैसे मैं बता रही हूं वैसे वैसे यू कीप मेकिंग योर ओन नोट्स सो दैट विल हेल्प यू टू ग्रास्प इट बेटर बेटर समझ में आएगा उससे अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम मेन डिविएशन अबाउट मीडियम कैसे निकालते हैं सब कुछ सेम रहेगा जैसा अभी हमने देखा मीन डिविएशन अबाउट मीन बिल्कुल वैसे ही रहेगा सिर्फ मीन की जगह आ जाएगा मीडियन तो यहां पर अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अब हम पहले मीडियन निकालेंगे एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके बाद निकालेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम मीन डिवियेशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं ठीक है तो यहां पे कुछ भी फर्क नहीं है जैसा कि मैंने बताया सिर्फ मीन की जगह मीडियन आ जाएगा लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि भाई मीडियन निकालेंगे कैसे तो मीडियन निकालने के लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीडियन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये भी हमने अपने जूनियर क्लास में कर रखा है बट स्टिल जिन बच्चों को वो याद नहीं है उन्हें मैं पूरा ही समझाऊंगी ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे एज यूजल हमारे पास दिया हुआ क्या है चलो टेबल बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम बनाएंगे ये मार्क्स का एक कॉलम उसके बाद हम बनाएंगे अपना का कॉलम जो कि मिड पॉइंट होगा उसके बाद एफ आई जो कि दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स और चूंकि यहां पर मीडियन निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा किम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना तो चलो इन्हें फिल करते हैं मार्क्स है जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी एक्स आई हो जाएगा जीरो प्लस टेन बाई टू क्योंकि वैल्यू लेते, है? लेते हैं मिड पॉइंट लेते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेते हैं तो पहले वाले के लिए हो जाएगी सिक्स दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी पहले थी सिक्स प्लस एट यानी कि फोर्टीन उसके बाद हो जाएगा फोर्टीन प्लस अभी का फोर्टीन ट्वेंटी एट अब यहां से हम समेशन ऑफ एफ आई निकाल सकते हैं यहां से इन सब को ऐड कर देते हैं तो उससे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा विच इज इक्वल टू फिफ्टी ठीक है क्योंकि मीडियन निकालने के लिए ये बहुत जरूरी होता है ठीक है तो अब मीडियन के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑड है या इवन है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इवन है ठीक है तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा चूंकि ये इवन है तो मीडियन हो जाएगा मीन ऑफ एन बाई टू यानी कि फिफ्टी by टूए term and 51st by बाई 50 50 by टूए term and 51 by बाई term ठीक है सॉरी फिफ्टी बाई टू प्लस वन एथ टर्म ठीक है तो ये कौन से वाले टर्म हो जाएगा यानी कि ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी सिक्स टर्म का मीन ठीक है अब देखते हैं कि भाई ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स टर्म है कहाँ ये कौन बताएगा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो अगर क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो ट्वेंटी फिफ्थ टर्म और ट्वेंटी सिक्स टर्म दोनों फॉल करेगा इसके अंदर ट्वेंटी एट में ट्वेंटी एट क्या कह रहा है कि शुरू के सारे ट्वेंटी एट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कवर्ड है यहाँ तक में तो हमको ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स ऑब्जर्वेशन चाहिए तो वो इसके अलॉन्ग आएगा तो ये कौन सी क्लास इंटरवल के अलांग आएगा ये आएगा ट्वेंटी टू थर्टी क्लास इंटरवल के अलाउ तो यानी कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू थर्टी ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से हम मीडियन निकालते हैं राइट फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो इनफैक्ट ये जो मैं समझा रही हूँ इसी में मैं आपको प्रोसेस समझा दे रही हूँ कि कैसे मीडियन निकालना है और जिन बच्चों को ऑलरेडी याद है चूंकि आपने ये सारी चीजें अपने प्रीवियस क्लास में कर रखी है तो बहुत बढ़िया ठीक है तो ये आपको इस केस में मीडियन क्लास मिल गया पिछले जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसमें हमें सीधा मीडियन मिल जाता था क्यों क्योंकि यहां पर डायरेक्टली एक्स आई की वैल्यूज होती थी बट यहां पर क्या है चूंकि क्लास दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे मीडियन क्लास मिल रहा है ठीक है अब हम मीडियन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहां पर ये जो एल है ये एल क्या है यह है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यहां पे क्या है 20 तो इस केस में इस एल की वैल्यू है 20. ये एफ क्या है एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 14 तो यहां पर इसकी वैल्यू है एज क्या है एज तो ये क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज है दैट इज एज तो जो कि यहां पर कितना है टेन और कौन सी वैल्यूज है यहां पर एक तो है सी वॉट इज दिस सी सी है क्लास बिफोर मीडियन क्लास यानी कि जो मीडियन क्लास है ट्वेंटी टू थर्टी इसके पहले वाले मीडियन क्लास का जो किम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितना है फोर्टीन तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू और अनोन क्या है एन है एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू समीशन अभी अभी कैलकुलेट किया था फिफ्टी तो इसकी वैल्यू है फिफ्टी ठीक है तो अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं तो इन वैल्यूज को डालकर मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है अब अगर मीडियन की वैल्यू मुझे मिल गई है उसके बाद क्या करना है उसके बाद तो चीजें सिंपल है ठीक है एक बार मीडियन मिल गया फिर अब मैं अगला कॉलम क्या बनाऊंगी एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड तो हर एक एक्स आई की वैल्यू से जो मीडियन की वैल्यू निकलेगी उसे हम सब्रैक्ट करते रहेंगे उसके बाद अगला कॉलम क्या बनाएंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए अगला फॉर्मू अगला कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉड यानी कि यहां पे जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी इन वैल्यूज को हम ये वाली एफ आई से मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहेंगे इधर ठीक ऐसे करके हम ये वैल्यूज लिखते रहेंगे और इस तरीके से जब हम सारी वैल्यूज लिख चुके होंगे इन्हें एड करके हमें मिल जाएगा summation of fi mod of xi minus m, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी जब इसकी value मिल जाएगी तो सीधा सीधा इस पूरे की वैल्यू के बदले में हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे डिवाइडेड बाय एन कर देंगे तो निकल आएगा हमारा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन तो नीडलेस टू से ये सभी क्वेश्चंस काफी लेंदी हैं बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है तो आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन में ना मीन डिविएशन का तो बस एक फॉर्मूला है जो ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि आपको उससे पहले मीन या मीडियन निकालना पड़ता है जो आपने ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़ रखा है बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि किस तरह का डेटा रहने से किस तरह से हम मीन या मीडियन निकालते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी तक जो हमने ये मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन डिस्कस किया उसमें कुछ इश्यूज आ गई ऐसा पाया गया कि ये जो वैल्यूज आती हैं इनसे ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है इफ़ वी आर डीलिंग विथ डेटा जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो राइट right? तो होता क्या है कि जिन डेटा में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे मीडियन जो है ना उसका एग्जैक्ट सेंट्रल टेंडेंसी होता नहीं है जिसकी वजह से ये जो हम निकालते हैं ना मीन डिविएशन अबाउट मीन मीन डिविएशन अबाउट मीडियन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती है तो यही कारण था कि इंट्रोड्यूस हुआ हमारा एक और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिवियशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इट इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू वेरिएंस तो वेरिएंस जो नाम है नाम ही आप देख रहे हो वो वेरिएबिलिटी वाले इशू को सॉल्व करने के लिए ये वेरिएंस की एंट्री हुई थी ठीक है तो यहां पर हम क्या अलग से करते हैं देखो कॉन्सेप्ट अपना वही चलेगा पहले हम क्या कर रहे थे मीन डिविएशन में एक सेंट्रल वैल्यू से हम डिविएशन निकाल रहे थे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे और फिर उसका मीन निकाल दे रहे थे यही कर रहे थे हम अभी तक अब क्या करेंगे सिर्फ एक चीज अलग करेंगे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे राइट अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की वजह से मैथमेटिकली बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे तो अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेना है तो सोचा गया कि यार और क्या कर सकते हैं जिससे मुझे पॉजिटिव नंबर भी मिले बट मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू भी ना लेना पड़े तो लोगों ने सोचा कि यार हम स्क्वायर भी तो कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा तो यहां पर हम यही अलग करेंगे सिर्फ पहले जो मॉड लगता था आपके फॉर्मूले में वो हट जाएगा और अब क्या लगेगा होल स्क्वायर तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे मीन ऑफ द ऑफ द डिविएशन यही करेंगे मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन और इसे हम कहते हैं वेरिएंस और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से अब यहां पर एक नई प्रॉब्लम आ गई चूंकि हमने स्क्वायर कर दिया तो जो मेरा डेटा दिया हुआ था लेट लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट तो अगर बच्चों की हाइट दी हुई थी तो जो मेरा डेटा दिया हुआ था जो एक्स आई की वैल्यूज थी वो सेंटीमीटर में थी राइट right? अब जो वेरियंस है इसमें तो मैंने स्क्वायर कर दिया है तो वेरियंस मेरा निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में है कि नहीं तो मतलब जो डिविएशन मैं देखना चाह रही हूं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में थोड़ी हो सकता है वो तो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए राइट क्योंकि जो मेरा डेटा है मैं उसी डेटा का स्प्रेड देखना चाहती हूँ राइट तो इसीलिए मीन हो या मीडियन हो या मोड हो या फिर मीन डिविएशन हो या रेंज हो ये सारे उसी यूनिट में होने चाहिए क्योंकि मैं उसी डेटा के अंदर प्ले अराउंड कर रही हूँ तो अब क्या किया जाए तो लोगों ने सोचा ठीक है पहले हमने क्या किया था स्क्वायर किया था अब उसका रूट ओवर कर देते हैं राइट right? सेंटीमीटर स्क्वायर का आप रूट ओवर कर दोगे वापस आपको सेंटीमीटर ही मिल जाएगा है कि नहीं तो वही लॉजिक हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे जो मेरा सिग्मा स्क्वायर था वेरिएंस उसका हम रूट ओवर कर देंगे और जो चीज हमें मिलेगी जो क्वांटिटी हमें मिलेगी यानी कि सिग्मा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिवियशन तो कुल मिला के मेरा स्टैंडर्ड डिशन का फॉर्मूला क्या होगा एक्जैक्टली exactly, याद करो जो मीन डिविएशन का था मीन डिविएशन का क्या था एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब जिसमें से हम सब्रैक्ट कर रहे थे मीन को जो सेंट्रल वैल्यू है है मेरा ठीक है? अब पहले क्या था इसका मोड था एब्सोल्यूट वैल्यू था अब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है बल्कि क्या है होल स्क्वायर इसीलिए होल स्क्वायर लग गया है पहले भी मीन निकालते थे अभी भी मीन निकाल रहे हैं इसीलिए समेशन का साइन है और डिवाइडेड बाई जो है क्या है कैपिटल एन है या फिर समेशन ऑफ एफ जो भी कह लो ठीक है यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो गया है रूट ओवर लग गया है ठीक है ना तो कुल मिला के हमने देखा यहाँ हमने दो चीजें पढ़ी एक है स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे डिनोट करते हैं सिग्मा से और दूसरा है वेरिएंस जिसे डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से तो इसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले की बात करें फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां पर क्या हो जाता है क्या चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट तो वही है जस्ट दैट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाता है राइट right? क्योंकि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए हम उसका फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो इसीलिए यहां पर समेशन में एक एफ आई का टर्म एक्स्ट्रा आ गया है और जो एन है वो एन की जगह यहाँ कैपिटल एन आ गया है ये कैपिटल एन क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई है ना तो सारे एफ सारे फ्रीक्वेंसीज का जो सम है दैट इज योर कैपिटल एन विच इज टोटल नंबर ऑफ़ तो यही दो चेंजेस आ जाते हैं इस में. अच्छा, एक और है, जिसको हालांकि है, टर्म्स से अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो एक्सआई के जो वैल्यूज है वो बहुत बड़ी होती है और जब एक्साई की वैल्यूज बड़ी होती है तो हमारा पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत टीडियस हो जाता है तो वहां पर हम इस शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं तो चलो देखते हैं तो ऐसे केसेस में हम ये शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने डायरेक्टली लिख रखा है सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला राइट right? तो इस तरह से आप सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डिवियेसन और वेरिएंस दोनों ही चीज़ें निकाल सकते हो तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जहां पर ऐसे क्लासेस दी हुई हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं तो इसका अगर मैं टेबल बनाऊंगी तो टेबल कुछ इस पैटर्न का बनेगा जिसमें ये मेरी क्लासेस हैं ये मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं तो मैं एक सै कैसे निकालूंगी इन क्लासेस के मिड पॉइंट से तो यहां तक तो बहुत सिंपल है उसके बाद क्या है उसके बाद हम वाई आई की वैल्यू निकालेंगे कैसे एक्स आई माइनस सिक्सटी फाइव बाई टेन ये सिक्सटी फाइव और टेन क्या है सिक्सटी फाइव जो है वो मेरा एज्यूम्ड मीन है ठीक है तो हमने मीन एज्यूम कर लिया है एज्यूम्ड मीन जो है वही एज्यूम्ड मीन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले भी समझाया था कि हमने एक नंबर को मीन एज्यूम कर लिया है और उसके बाद उस नंबर से डिविएशन कैलकुलेट करेंगे यानी कि सभी एक्स की वैल्यू से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जो मिलेगा हमें उसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वो कॉमन फैक्टर को हम जनरली एच से डिनोट करते हैं तो जैसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गई तो इसे जैसे पहले हमने डी आई से डिनोट किया था राइट सो दैट इज द सेम थिंग तो ये वही स्टेप डिविएशन मेथड से जो है हम इस तरह से इनके ईजियर वर्जनस ले आएंगे डिविएशन के जो है शॉर्टर वर्जन्स ले आएंगे और तो उसके बाद तो एज़ यूजल इस फॉर्मूले को फोकस करते हुए हम ये टेबल बनाते जाएंगे जैसे हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वाई स्क्वायर निकालेंगे हमें एफ आई वाई आई भी चाहिए तो एफ आई वाई आई का भी कॉलम बनाएंगे और हमें एफ आई वाई आई स्क्वायेयर भी चाहिए तो हम एफ आई वाई आई स्क्वायेर भी निकालेंगे और इनके समेसन चाहिए तो नीचे जा कर हम इनके सम कर देंगे और उसके बाद फार्मूले में ये सारे वैल्यूज डाल देंगे और हमारा शॉर्ट

उसी समय विदाउट डिराइविंग ठीक है तो ये पहली चीज है दूसरी चीज है कि यू शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेबल्स जो हम बना रहे हैं क्योंकि टेबल्स के अंदर ना हम छोटे छोटे कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो अगर इन दोनों चीज़ों पे आपने मास्टरी पा ली तो आई डोंट थिंक स्टैटिस्टिक्स में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आएगी ठीक है और जहां तक लेंदी क्वेश्चन की बात है तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा ही कैलकुलेशन थोड़े लेंदी होते हैं बड़े बड़े टेबल्स बनाने पड़ते हैं बट दैट इज हाउ इट इज बट अगेन नीडलेस टू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन होते हैं इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स और बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन होते हैं तो इसीलिए इस लेसन पर ध्यान जरूर देना ठीक है तो दैट वॉज इट फॉर स्टैटिस्टिक्स अगर आपको लेसन पसंद आया या जो भी आपका फीडबैक हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय